हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग सेवन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने अपने पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किए हैं और इसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा सो बिफोर गेटिंग इंटू इट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेलाइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट दैट इज रिसर्च पी एच डी डॉट इन इन विच यू विल फाइंड डेली क्विजेज़ ऑन पेपर वन एंड पेपर टू एज वेल एज पी एच डी एडमिशन नोटिफिकेशन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम द लिंक ऑफ फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम अलॉन्ग विद वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एलॉन्ग विद डैट हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया इट इज़ बेसिकली फॉर दोज हुर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जे आर एफ कॉमर्स एज पेपर टू वहाँ पर भी आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ uh, मिल जाएंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है चलिए आ जाते हैं और देखते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे पी एच डी एडमिशन नोटिफिकेशन निकले हुए हैं फर्स्ट इज़ काजी नाजरुल यूनिवर्सिटी इसकी लास्ट डेट है सिक्सटीन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी डिटेलिंग मैं आपको आगे जाकर करके दूंगा इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डेली जिसकी लास्ट डेट है ट्वेल्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नेक्स्ट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी लास्ट डेट है फोर्थ जून 2021 नेक्स्ट इज डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जिसकी लास्ट डेट है ट्वेंटी मई 2021 नेक्स्ट इज सेंट लोंगोवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसकी लास्ट डेट है फिफ्टीथ जुलाई टू नेक्स्ट इज ट्रिपल आई टी इसकी लास्ट डेट है फिफ्टीन में 2021 एंड लास्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसकी लास्ट डेट है फिफ्टीन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ये सात यूनिवर्सिटी जिनकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी अब आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग में ये मैंने जो है यहाँ पे एक एक करके बताया हुआ है काजी नाजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल वेस्ट बंगाल में है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और टोटल नंबर ऑफ पी एच डी सीट्स यहाँ पर है हंड्रेड अक्रॉस एटीन सब्जेक्ट्स और क्लोजिंग डेट मैंने बता दी आपको सिक्सटीथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है और अगर इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी ओपन किए हैं काज़ी नाजरुल यूनिवर्सिटी और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर सब्जेक्ट्स बता दिया करिए तो यहाँ पे एनिमल साइंस अप्लाइड साइकोलॉजी बंगाली केमिस्ट्री कॉमर्स एजुकेशन सी ये सारे के सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स जहाँ पर आप पी कर सकते हो अंडर काज़ी नाजरुल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल ठीक है और ये वैकेंसी की यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हैं और एरिया ऑफ एक्सपेक्टेड स्पेशलाइजेशन भी दिया हुआ है इफ़ आर अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी देन आप यहाँ पे क्लिक हियर टू विजिट में जा करके यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लिखा है आप इसकी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट इज डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और इसमें जो है इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप पी कर सकते हो फुल टाइम पी की यहाँ पर सीट्स uh, दी हुई हैं एटी चलिए जानते हैं Next, uh, university के बारे में, ये विजिट में जाएंगे तो आपको के बारे पता चल जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सेंट लोंगोवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्लेट और इसमें जो है थ्री इयर्स का इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम भी है और अगर इसको जानना है आपको तो आप जैसे ही क्लिक किए विजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है सेंट लोंगोवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लोंगोवल की जो है डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप हो जाएगा आपका उसके बाद आप जो है पी का फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है तो ये मैंने बता दिया आपको इसके अलावा हाँ ये प्रॉस्पेक्टस में मैं गया था प्रॉस्पेक्टस जो है आपको जो है मिल जाएगी यहाँ हाँ यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना जो ब्लिंक कर रहा है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सेट 2021 थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है आपके सामने ब्रोशर आ जाएगा और इस ब्रोशर में मैंने पूरी स्टडी की है इसलिए जो है बीच से आया हुआ है यहाँ पर वेट अ सेकंड शायद ये हैंग हो गया है हाँ पी एच डी के बारे में बता देता हूँ डायरेक्ट में आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो शायद यू you नो know, आप कह सकते हो कि हाँ पेज नंबर फोर्टी सेवन से पीएचडी का बताया गया है इसमें आप देख सकते हैं डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज़ इंग्लिश फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मैथमेटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स तो इसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं फिफ्टी फाइव परसेंटेज होनी चाहिए मास्टर्स एंड ऑल में फुल टाइम पीएचडी आपको विथ फेलोशिप भी मिलेगी विदाउट फेलोशिप भी मिलेगी और पार्ट टाइम पी भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर पूरा बताया गया है कि फिफ्टी मार्क्स जो है आपको यू नो गेन करने हैं एंट्रेंस टेस्ट में एंड फोर्टी फाइव परसेंट इज़ फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ओ बी सी एन सी एल और इसके अलावा फिफ्टी परसेंट आपका आर एम आएगा रिसर्च मेथोलॉजी फिफ्टी परसेंट इज़ टोटली सब्जेक्टिव इंटरव्यू होगा आपका और उसमें जो है ये ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे और जिन्होंने यू जी सी सी एस आर जे आर एफ नेट विथ फेलोशिप या नेट ए एस आर बी सेट स्लेट गेट ये सब क्वालिफाई किए वो एग्जाम्टेड हैं उनको एंट्रेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है बट दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ये डेट्स लिखी हुई हैं रजिस्ट्रेशन की डेट जो है ये पंद्रह अप्रैल से लेके पंद्रह जुलाई तक है एग्जामिनेशन डेट है एट्थ ऑगस्त एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा सेवनटीन्थ ऑगस्त डेट ऑफ इंटरव्यू है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्त फाइनल रिजल्ट डिकलेन है ट्वेंटी सिक्स अगस्त और काउंसिलिंग चालू हो जाएगी आपकी थर्ड सेप्टेम्बर से ये फीस वगैरह लिखी हुई है पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है अलग अलग तो मैं आपको क्रक्स बताना चाहता हूँ तो आप इसको डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं मैंने बता दिया कैसे आप कहाँ पर आपको जाना है इसके अलावा नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये एडमिशन ओपन हैं फॉर एम एस सी एम टेक एम बी एंड पी एच डी बहुत फुल टाइम एंड पार्ट टाइम आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ पे आप जैसे ही पी पे क्लिक करेंगे ऊपर जहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पी एच डी तो आप जो है यहाँ पहुँच जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न पे और आप यू नो डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हैं क्लिक क्लिकर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आप क्लिक करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में पहुँच जाएंगे यहाँ ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है और फिर आप जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड तब तक ये लोड हो रहा है तब तक तो मैं बता देता हूँ आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ओपन ही हो गया ये पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों प्रोवाइड करा रही है ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं फिफ्थ अप्रैल टू फोर्थ जून आप भर सकते हो यू नो थर्टियथ जून तक आप अपलोड कर सकते हो एडमिट आपका जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो रिटर्न टेस्ट होगा टेंथ जुलाई को ये सब आप पढ़ सकते हैं कब कब होगा डिक्लेरेशन रिजल्ट सत्ताईस जुलाई तक हो जाएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम छः अगस्त से होगा ये सब चीज़ें और इसके अलावा आप जैसे ही पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स में जाएंगे तो आपको जो है पीएचडी के बारे में पता चल जाएगा कि ये ये स्ट्रीम्स हैं मोटा मोटी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉरस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज का यहाँ पे आप पी एच डीन इन डिपार्टमेंट से कर सकते हो अंदर दिस यूनिवर्सिटी और बाकी सब यू नो फॉर्म्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं आप देख सकते हैं अगर आप ई डब्ल्यू एस एंड यू नो ओ बी सी और बाकी सब से बिलोंग करते हैं तो चलिए ये भी हो गया अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम आ, ट्रिपल आई टी कोटम और इनकी लास्ट डेट है पंद्रह मई रिटर्न टेस्ट है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट जून और देख लेते हैं ट्रिपल आई टी कोट्यम जो है इसमें क्या हिसाब किताब है इसमें आप कर सकते हो पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बाकी स्पेशलाइजेशन आपको बगल में दी हुई है जहाँ जहाँ कर सकते हो फुल टाइम के बारे में इफॉर्मेशन पार्ट टाइम के बारे में इनफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब दिया हुआ है आप रीड कर सकते हो सिलेक्शन कैसे होगा ये भी यहाँ पे दिया हुआ है तो सबके लिंक दिए क्लिक किये टू विजिट में आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी जो है लिंक आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है इसके अलावा बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पी एच डी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ ये बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ अब लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है बारह मई तक हो गई है तो जो है आप जैसे पी एच डी एम फिल रिसर्च पेपर वाले उसमें जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको बी आर अम्बेडकर की कंप्लीट इन्फॉमेशन यहाँ मिल जाएगी कि जो है किन किन यू नो फील्ड में है आप देख सकते हैं यहाँ पर इकनॉमिक्स एंड ऑल मैनेजमेंट ह्यूमन इकोलॉजी और पी एच डी इन एजुकेशन इन सब में आप जो है पी एच डी कर सकते हो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस और फिर आप जो है इसकी और डिटेलिंग्स आपको पता चल जाएगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डेली के अंदर इसके अलावा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे दैट इज योर लास्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और जैसे हमने क्लिक तो विजिट किया तो आप पहुंच गए हाँ लास्ट में ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ये और जैसे यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड एम फिल प्रोग्राम आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा वैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे और ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पीएच की दी हुई है पूरे पी एच डी इंटीग्रेटेड पी एच डी का पूरा का पूरा ये ब्रोशर है और आप जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इंटीग्रेटेड एम फिल पी एच डी प्रोग्राम है ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च आप देख सकते हैं क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम्स इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी वैसे ये नेक्स्ट वन में डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए आपका यू नो मास्टर्स एंड ऑल में मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस एंड अलाइट डिसप्प्लिन नेट क्वालिफाइड जो है प्रेफरेंस टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन नेट क्वालिफाइड एंड अवार्ड जी आर एफ उनको प्रेफरेंस दी जाएगी आप सब पढ़िएगा पढ़ने से पहले बहुत नॉलेजेबल है ये सब चीज़ें और पार्ट टाइम फुल टाइम के बारे में दिया हुआ है सेलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे टेंथ ट्वेल्थ ही दिया हुआ है यहाँ पे और क्या जो है आपका पूरा ब्रीफिंग होगी वो दिया हुआ है यहाँ पे सीक्वेंस में टाइटल इंट्रोडक्शन एंड ऑल आप रीड कर सकते हैं इसको फुल टाइम पार्ट टाइम पी के बारे में दिया हुआ है मैंने डिसिप्वेंस तो आपको बताइए दिया ये फ़ीस है आप देख सकते हैं फेलोशिप ऑन फीस का क्या हिसाब किताब है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मनी रिफंडेबल दो हज़ार एंड ऑल आपको भरनी पड़ेगी इसके अलावा कोर्स वर्क के बारे में दिया हुआ है कोर्स वर्क के सब्जेक्ट्स भी आगे आएंगे ये आप देख सकते हैं इसका पंद्रह मई और आपका कमेंसमेंट हो जाएगा सेशन का बारह जुलाई बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसमें खैर और ये सब इन्फॉर्मेशनस दी हुई हैं यू कैन रीड इट बाई योर और जो है ये ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च जो पता है नेक्स्ट वन में ये है इसके अंदर आप जो है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में अपनी पीएचडी एच कर सकते हैं सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ सेवन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ दैट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड इसके अलावा ये कोइजेज आ रहे हैं 86 सिक्स बिजनेस फाइनेंस अभी मैं पेपर टू कॉमर्स के ऊपर कर रहा हूँ इसके अलावा आपको मतलब 86 सिक्स में मैं बना चुका हूँ उसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन पीपल एनवायरनमेंट स्टैटिस्टिक्स सब कुछ मिल जाएगा जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं बस आपको पैक बैक जाते जाना है और आपको जो है कोइजेज मिलते जाएंगे सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ऐसा ही फ्रूटफुल और नॉलेजेबल इनफॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स कमेंट्स एंड यू नो मोटिवेशन दैट यू यूज़ टू प्रोवाइड अस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बार अगर आप क्वेरी होती है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके और लिंक्स बहुत सारी दी हुई हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा आप ही के लिए मैंने पोस्ट की है और आप सबके लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकती है स्टे सेफ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैवे अ वेरी नाइस